मेडिटेशन स्ट्रेस भरे जीवन को ऊर्जावान बनाने की कला सिखाती है। एक साधारण इंसान जिसे मेडिटेशन या योगा की बहुत जानकारी नहीं है, वो मेडिटेशन को एक प्रार्थना ही समझता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मेडिटेशन प्रार्थना से हटकर एक अलग चीज है, इससे आपको आत्मिक शांति मिलती है। मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य इंसान में जागरूकता बनाए रखना है, इंसान को ऊर्जावान बनाए रखना है। वहीं आज हरियाणा न्यूज के गुरुग्राम स्थित हेड ऑफिस में ब्रह्म कुमारी राधिका दीदी अपनी टीम के साथ पहुंची और मेडिटेशन के बारे में जानकारी दी। राधिका दीदी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सुशील सिंह ने। आज उपलब्धि सबको चाहिए, लेकिन स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है और आज यही वजह है कि हरियाणा न्यूज में ब्रह्म कुमारी की टीम आई है और राधिका दीदी आई है जो पिछले 25 सालों से लोगों को स्ट्रेस फ्री बना रही हैं, राजयोग सिखा रही हैं। दीदी, बड़ा सौभाग्य रहा कि आज आप आई हमारे यहाँ। क्या कुछ आपने देखा और क्या लगा, चूंकि हम सब लोग स्ट्रेस वाले लोग थे, तो मुझे लगा कि सबको इंटरेस्ट है जानने की, समझने की, अपने आप को चेंज करने की, कि सबको संकल्प है कि अपने अंदर कोई ना कोई प्रकार का परिवर्तन तो लाना ही है, थॉट्स में, अपने कर्मों में लाना ही है, क्योंकि जितना अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे दूसरों को बहुत मदद मिलेगा। वैसे तो हम लोग सब लोग सेशन अटेंड कर रहे थे, पूरा हरियाणा न्यूज़, हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल चंचल रहते हैं, सब अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन बिल्कुल शांत होकर पिन ड्रॉप साइलेंस थे, सब सुन रहे थे। दर्शक भी जो देख रहे हैं, अगर उन्हें भी कुछ टिप्स अगर दो चार मिनट में मिल जाए, क्योंकि इस समस्या से सब लोग लगभग परेशान हैं, तो बड़ी तो स्ट्रेस के लिए तो टॉपिक था आज का दिन। और बड़े साइलेंस है, जैसे आपने कहा, लिसनिंग पावर बहुत अच्छा है आप सबके टीम में। और मैं ये कहती हूँ कि समय समय पे बीच बीच में समय निकालकर अपने आप से बातें करने का जो आदत है ना, ये बहुत अच्छी है। समय निकाल के जितना साइलेंस मन, ऐसा सोच बिगर बैठ नहीं सकते, पर अच्छे अच्छे थॉट्स लेना है, सबके प्रति शुभ भावना रखना है, अपने परिवार के प्रति शुभ भावना रखना है, कभी अपने बारे में अच्छा सोचना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना, ऐसे समय उसके लिए निकाल के फिक्स करके बैठेंगे तो धीरे धीरे आपको पता पड़ेगा कि स्ट्रेस कम होता जा रहा है। दीदी, पांच लाइन में चाहूंगा कि पांच टॉपिक्स जरूर बता दें दर्शकों को, जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो कम से कम ये चीज करें। कि पांच बातें ये है, पहली बात तो ये समझना कि मैं ओरिजिनली बहुत बहुत ब्यूटीफुल हूँ। जो अगली हो वही सोचे कि मैं सुंदर हूँ, शरीर से तो कैसे भी उसको फर्क क्या पड़ेगा, पर मैं अंदर से, मैं आत्मा में ब्यूटीफुल हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्यार स्वरूप हूँ, ये मेरे गुण है। बाकी दूसरों को देखेंगे, ये समझना कुछ भी दिखाई पड़े, क्या भी अवगुण दिखाई पड़े, पर उसमें स्पार्क है, दे आर डायमंड्स, वैल्यूबल है, आज नहीं तो कल थोड़ा जरूर चेंज होंगे, हम ये विश्वास उन पर रखें। और दूसरी बात है, कुछ भी हम सुनते हैं न्यूज, यहाँ वहां कुछ भी होता है, रहम की भावना रखे, प्रश्न न उठाए, परंतु दिल से दुआएं सबको दे, परमात्मा को, परमात्मा के सामने अपने प्रॉब्लम्स रखे, इतना करेंगे तो बहुत अच्छा है। एक सवाल और, मैं लगातार मैं कई लोगों से पूछते आ रहा हूँ कि क्या अगर इस तरह की सोच या ब्रह्मा कुमारी की जो सोच है, थॉट्स की हम बात करते हैं, उसको अपनाने के लिए क्या जरूरी है कि हम सफेद कपड़े पहने या जितनी जैसे कोई अल्कोहलिक है या नॉनवेज खाता है वो सब छोड़े? देखिए, पहले यहाँ सफेद होनी चाहिए, अंदर मन में सफाई चाहिए। ये व्हाइट में तो सब कलर्स, एक्चुअली व्हाइट में तो सब रंग मिला है तो व्हाइट बनता है, तो व्हाइट पहनने की कोई जरूरत ही नहीं है, अंदर सफाई हो, ये बहुत जरूरी है। कपड़े व्हाइट क्यों? कपड़े यूनिफॉर्म है, तो जैसे स्कूल में जैसा यूनिफॉर्म होता है ना, ब्रह्म कुमारी भी एक यूनिवर्सिटी जैसा है, पढ़ाई पढ़ते हैं हम, पढ़ाते हैं मेडिटेशन, इसलिए हमारा व्हाइट है। बिल्कुल, आपने सुना, और निश्चित तौर पे मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप इनमें से दो वाक्य जरूर अपनाएं और अपना आप कर देखिए। निश्चित तौर पे हमने थोड़ी देर पहले अटेंड किया है, लगभग 10 से 15 मिनट का सेशन, और हमें अच्छा फील हो रहा है, आप भी उम्मीद है कि आप अच्छा फील करेंगे। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ सुशील सिंह।